क्या आपको ये पता है कि एक्चुअली में आपके शरीर में कैसी हुई जगह है जहाँ पर आपको बिल्कुल भी पसीना नहीं होता, वहाँ आपके जीवन में आपको कभी पसीना हुआ भी नहीं होगा। वहीं आज की वीडियो में आप ये भी जानोगे कि एक ऐसा जानवर है जो कि एक्चुअली में सुबह सुबह उठकर सूरज की रोशनी के पास योगा करता है और देखने में बहुत ज्यादा कूल लगता है। वहीं आज की वीडियो में आप ये भी जानोगे कि पल्सर का क्रेज भारत में इतना ज्यादा क्यों है कि लोग उसी को खरीदना चाहते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम प्ले द वीडियो। नंबर वन, आपको ये पता है कि जब सांस लेते हो तो जब आप सांस में ऑक्सीजन लेते हो वो 20-21% होता है, पर क्या आपको ये पता है जब ऑक्सीजन लेकर आप उसे बाहर छोड़ते हो तो आपको लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हो, पर एक्चुअली में 15% ऑक्सीजन छोड़ते हो, उसमें से 5% ही सिर्फ आप लिए रहते हो ऑक्सीजन को। हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, पर एक्चुअली हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं पर उसमें से 15% छोड़ देते हैं। नंबर टू, क्या आपको ये पता है कि अगर आपके घर पर सैटेलाइट गिरता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा है, और एक्चुअली में अगर ये गिरता है आपके घर पे वही आपको स्पेस लॉ के अकॉर्डिंग आपको लगभग 74 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगर आपके घर के ऊपर सैटेलाइट गिरता है, उसका कोई भी पुर्जा भी गिरेगा तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। नंबर थ्री, क्या आपको ये पता है कि एक्चुअली में मोटोरोला का एक फोन था, 5 साल पुराना फोन था, Moto G5, जो कि एक्चुअली में एक आदमी की जान बचाया था। एक डकैती के दौरान एक आदमी के ऊपर बंदूक टान के गोली मार दी गई, और मजे की बात ये थी जब गोली चलाई गई ना तो उस आदमी की गोली मोटोरोला के फोन में रुक गई और वो उसको बाईपास नहीं कर पाई, इस कारण बहुत कम उसको इंजर्ड पहुंचा और डॉक्टरों ने उसे 2 दिन के अंदर ही डिस्चार्ज कर दिया। मतलब फोन भी आदमी की जान बचा सकते हैं थैंक्स टू मोटोरोला। नंबर फोर, हाल ही में चीन में रहने वाली एक लड़की की उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, उसके बाद क्या था, लड़की कार लेकर 49 रेड सिग्नल तोड़ देती है। बाद में यह पता चलता है कि 49 रेड सिग्नल वो लड़की की गाड़ी से तोड़ी थी, और मजे की बात यह है कि गाड़ी भी लड़के के नाम पे थी, तो 49 रेड सिग्नल का फाइन लड़के के ऊपर फटा, लड़की को बड़ा मजा आया होगा। नंबर फाइव, 2004 में पैराग्वे नाम की एक जगह थी जो कि साउथ अमेरिका में है, वहां के एक सुपरमार्केट में आग लग गई। जो सुपरमार्केट का ऑनर था वो बहुत ज्यादा लालची था, उसने तुरंत सुपरमार्केट का मेन गेट बंद कर दिया ताकि जो लोग हैं जो सामान लिए हैं वो बिना पैसा दिए बाहर ना निकल जाए। वो लगभग 300 से ज्यादा लोग को अंदर ही बंद कर दिया और वो लोग जलकर मर भी गए, और उस आदमी ने गेट नहीं खोला। नंबर सिक्स, क्या आपको ये पता है कि एक्चुअली में जो सांड होता है वो लाल कपड़ा देखकर नहीं गुस्सा होता है, एक्चुअली में जो सांड होता है वो हिलते हुए कपड़े को देखकर गुस्सा करता है। लोगों को लगता है कि सांड एक्चुअली में उस लाल कपड़े को देखकर रिएक्ट कर रहा है, हालांकि जो भी आम पक्षी पशु होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कलर ब्लाइंड उनको होता ही है, उसी तरह सांड भी, उसे भी लाल रंग का कलर दिखता ही नहीं है। नंबर सेवन, हाल ही में बार्सिलोना के एक स्टाइलिस्ट ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है जिसमें कि वो आपके बालों पर डिजिटल इमेज प्रिंट कर सकता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा यूनिक लगता है। नंबर एट, अच्छा राधे फिल्म फ्लॉप थी सभी को पता है, पर एक्चुअली में राधे फिल्म फ्लॉप थी ही नहीं, असल में राधे फिल्म को बनाने में 100 से लेकर 135 करोड़ तक का खर्च आया था। वहीं जी स्टूडियो के साथ हुए समझौते में फिल्म के राइट्स 230 करोड़ रुपए में बेच दिए गए, जिससे राधे फिल्म को लॉस हुआ ही नहीं। नंबर नाइन, क्या आपको ये पता है कि पल्सर का क्रेज इंडिया में इतना ज्यादा क्यों है? एक्चुअली में जब 2007 में विदेशी कंपनी होंडा काफी ज्यादा बाइक को मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बेच रही थी, और उस टाइम लोगों की फेवरेट बाइक होंडा बन चुकी थी, तब बजाज पल्सर के मालिक राजीव बजाज ने अपनी बजाज की गाड़ी को बढ़िया से मॉडिफाई करके मार्केट में उतारा, जिसका नाम उन्होंने पल्सर रखा। आज का टाइम ऐसा है कि बजाज की पल्सर इतनी पॉपुलर है कि कोई होंडा गाड़ी लेने से पहले एक बार सोचता है कि मैं पल्सर क्यों ना ले लूं। अच्छा, पल्सर आपकी फेवरेट है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना। नंबर 10, को पता है कि एक्चुअली में जानवर है जिसका नाम रिंग टेल लीमर है, ये लैमिनोडाई फैमिली से बिलोंग करता है, पर इस जानवर की क्वालिटी ये है कि सुबह की जब इस पर धूप पड़ती है ये तुरंत अपने दोनों पैरों को बांध कर बैठ जाता है और अपने हाथों को अपने पैर के ऊपर रख लेता है। देखने में ऐसा लगता है कि ये जानवर एक्चुअली में किसी साधना में लीन हो रहा है, और इसकी आंख भी आधी बंद रहती है, देखने में बड़ा ही धांसू लगता है। एक्चुअली हमारे शरीर में हर जगह हमें पसीना देखने को मिल जाता है, चाहे हमारे शरीर के अंडर आर्म्स हो, चाहे हमारा गर्दन हो या हाथ हो पैर हो, जगह हमें पसीना देखने को मिल जाता है। पर आपको ये पता है कि आपके होंठ पे कभी पसीना होता ही नहीं है, हमारे होंठ पे कभी पसीना नहीं होता, आप कभी भी देख लेना आपके होंठ पे कभी पसीना होगा ही नहीं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना।